नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के करंट अफेयर्स की इस वीडियो में। और दोस्तों, ये जो फोटो आपको दिखा रखा है, ये फोटो दिखाया है मैंने आपको जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का। आपको कमेंट करके बताना है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के आइकन को ऑन कर लीजिएगा, सो दैट आपको मॉर्निंग में 5 बजे नोटिफिकेशन मिलता रहे वीडियो का। सो गाइस, यहाँ पर सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो डिस्कस करेंगे वो ये है कि कौन 2018 में सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। 2018 में क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन किस खिलाड़ी ने बनाए हैं ये आपको बताना है। तो इसमें नंबर 1 पर जो नाम है वो है विराट कोहली का, और हम सभी लोगों के लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन है विराट कोहली। आप उनको देखेंगे लगातार वो रिकॉर्ड तोड़ते जा रहे हैं, और इस फोटो में उनका एग्रेशन आप देख सकते हैं। बस इसी एटीट्यूड के साथ में आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बिल्कुल भी डरना नहीं है। जिस तरीके से विराट कोहली इस एटीट्यूड में है, इसी एटीट्यूड के साथ में आपको भी एग्जाम को तरफ देख कर ये बोलना है कि 100% आप उसे क्वालिफाई करेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं, आप गूगल प्ले स्टोर से अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं सौरभ गुप्ता नाम से। साथ ही साथ में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर भी क्लिक करके आप मेरी प्रोफाइल पर डायरेक्ट जा सकते हैं। वहां पर मैंने मैथ्स के बहुत सारे वीडियोज बना रखे हैं, उनको आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से। किस देश ने 2020 तक स्पेस फोर्स बनाने की घोषणा की है? तो देखो, आपने जमीन पर तो फोर्स का नाम सुना होगा, लेकिन ये पहली बार ऐसा होगा कि कोई देश स्पेस में अपना फोर्स, अब स्पेस में अपना हक जता रही हो, स्पेस पे अपना फोर्स बना रही हो। तो उस देश का नाम है, आई थिंक आप गेस कर चुके होंगे, उसका नाम है अमेरिका। और अमेरिका ही ऐसा पहला देश था जो टेक्नोलॉजी में हमेशा नंबर 1 रहता है, और अमेरिका ने परमाणु बम भी 1945 में सबसे पहले बनाया था। हर क्षेत्र में वो नंबर 1 पर है, इसी तरीके से स्पेस में फोर्स बनाने में भी वो नंबर 1 है। तो स्पेस फोर्स बनाएगी कौन देश बनाएगा? अमेरिका। अगला प्रश्न है, किस राज्य की अधिसूचना के मुताबिक राज्यपाल को महामहिम की जगह महोदय शब्द से बुलाया जाएगा? तो देखो, राज्यपाल को महामहिम की जगह अब महोदय नाम से बुलाए जाने वाली स्टेट का नाम है हिमाचल प्रदेश। देखो, हिमाचल प्रदेश के जो राज्यपाल हैं उन्होंने ये अधिसूचना जारी करी है। एक्चुअल में ये जो महामहिम शब्द है, जब भारत ब्रिटिश के अंडर में था, अंग्रेजों का शासन हुआ करता था भारत पे, उस समय राज्यपाल को महामहिम की उपाधि दी जाती थी। तभी से ये प्रथा चलती आ रही है, और राज्यपाल को महामहिम की उपाधि से बुलाया जाता था, जिसको अब चेंज करके एक नया महोदय शब्द जोड़ दिया गया है। मतलब अब उनको अगर बुलाया जाएगा या किसी चीज़ में लेटर में लिखा जाएगा उनका नाम, तो राज्यपाल महोदय लिखा जाएगा। तो अंग्रेजों की एक और प्रथा को हम लोगों ने यहाँ पर समाप्त किया है। अगला प्रश्न है, SCO पीस मिशन 2018 कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो देखो, SCO पीस मिशन 2018 को आयोजित किया गया है रूस में। ऑप्शन नंबर D यहाँ पर सही हो जाएगा। यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है SCO, इसका फुल फॉर्म होता है शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका जो पीस मिशन है ये रसिया में ऑर्गेनाइज हुआ है, ये आप देख सकते हैं पीस मिशन का फोटो। ये देखो, इस शंघाई सहयोग संगठन हिंदी में इसका नाम है। साथ ही साथ में HCO जो है वो 8 सदस्यों, 8 देशों का एक संगठन है, जिसको 2001 में चाइना में स्थापित किया गया था। और जब ये स्थापित हुआ था तब इसमें चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, तजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान का इसमें नाम आता है। साथ ही साथ में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या भारत HCO का मेंबर है? तो इसका आंसर हो जाएगा हाँ, भारत और पाकिस्तान दोनों ही HCO के मेंबर बन गए हैं। तो कुल मिलाकर 8 मेंबर यहाँ पर हो गए। साथ ही साथ में दोस्तों, आज के वीडियो पे टारगेट करेंगे कम से कम 4000 लाइक्स का। तो देखते हैं आप कितनी जल्दी इसको पूरा करते हैं। अगला प्रश्न है, रक्षा औद्योगिक कॉरिडोर किस शहर में लॉन्च किया गया है? तो देखो, रक्षा औद्योगिक कॉरिडोर है, इसको लॉन्च किया गया है ना तो बनारस में, ना तो लखनऊ में, ना तो दिल्ली में, इसको अलीगढ़ में लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर D यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं इसको लॉन्च किया है निर्मला सीतारमण जी ने।
ये एक तरीके से रक्षा निर्माण को समर्पित एक विशेष क्षेत्रों को विकसित करने के लिए सरकार का एक प्रयास है, जिसके लिए इसमें 6 नोडल सेंटर बनाए गए हैं, आगरा, अलीगढ़, लखनऊ, कानपुर, चित्रकूट और झांसी। यहाँ यहाँ पर ये ऑर्गेनाइज किया जाएगा। डीआरडीओ के साथ में ये ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, तो डीआरडीओ के वर्तमान के अध्यक्ष का नाम पूछा जाए तो हो जाएगा संजय मिश्रा, और डीआरडीओ का मुख्यालय की बात करी जाए तो नई दिल्ली में डीआरडीओ का मुख्यालय हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बजाज एलियांस जनरल इंश्योरेंस और किस बैंक बैंक ने बैंक्यूसरेंस डील में प्रवेश किया है? तो देखो यहाँ पर बजाज एलियांस जनरल इंश्योरेंस ने विजया बैंक के साथ में, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, विजया बैंक के साथ में बैंक्यूसरेंस डील को प्रवेश किया है। तो यहाँ पर आपके मन में एक टर्म आ रहा होगा कि ये जो बैंक्यूसरेंस डील होती है ये क्या होता है। देखो बैंक्यूसरेंस क्या होता है, जब भी कोई बैंक इंश्योरेंस सेक्टर में भी वर्क करने लगती है, मतलब बैंकिंग, अगर कोई बैंक इंश्योरेंस को भी सेल करती है तो उस डील को बोला जाता है बैंक्यूसरेंस। दोनों को मिलकर बनाया गया है ये वर्ड। इसमें होगा क्या कि जो बजाज अलायंस है वो अपने जनरल इंश्योरेंस वाले जो प्रोडक्ट है वो विजया बैंक के थ्रू लोगों को सेल करेगी, इस वजह से ये डील अक्सर बनाई जाती है। और बैंक में ये टर्म बहुत बार पूछा जाता है, तो इसका मतलब समझ लीजिए, बैंकिंग, जब बैंक इंश्योरेंस वाले प्रोडक्ट को सेल करती हैं तो वो जो टर्म बनता है वो बोला जाता है बैंक्यूसरेंस। बात करी जब विजया बैंक के मुख्यालय की, तो ये बेंगलुरु में इसका मुख्यालय है, और बजाज अलायंस का मुख्यालय पूछा जाए तो पुणे में इसका मुख्यालय हो जाएगा। सारी चीज़ें याद रखोगे, एग्ज़ाम में यही सब पूछा जाता है, अलग से कुछ भी नहीं पूछा जाता है। और इतना मेरा चैलेंज है ओपन कि अगर आप रेगुलर बेसिस पर आदत बना लेते हैं करंट अफेयर्स पढ़ने की, तो आपको जीके भी स्ट्रांग हो जाएगा, करंट अफेयर्स भी स्ट्रांग हो जाएगा, और एक हैबिट बन गई, मज़ा आने लगा, तो समझो कि 100% एग्ज़ाम आपका निकलेगा, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। किस बैंक ने आधार कार्ड आधारित लेन देन के लिए अपने पहले आयरिस प्रमाणीकरण जारी किया है? तो देखो आधार कार्ड से ही लेन देन को पॉसिबल बनाने के लिए आयरिस, मतलब आंख आंख की रेटिना को स्कैन करने वाला सिस्टम जो होता है, वो जारी करने वाले बैंक का क्या नाम है? इसका नाम है एक्सिस बैंक, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो एक्सिस बैंक क्या करेगा, अपना एक माइक्रो एटीएम टैबलेट है उसके माध्यम से आयरिस आंखों को स्कैन करके आधार कार्ड से ही पैसे के लेन देन को एग्जीक्यूट करने की नई प्रणाली लॉन्च की है। किसने की है? एक्सिस बैंक ने। और इस तरीके की ये सुविधा शुरू करने वाला पूरे देश का पहला बैंक होगा। एक्सिस बैंक के मुख्यालय की बात करी जाए तो मुंबई में इसका मुख्यालय है, और इसके सीईओ की बात करिए तो शिखा शर्मा एक्सिस बैंक की वर्तमान में सीईओ हैं। और जिन लोगों ने आरआरबी एलपी का एग्ज़ाम दिया होगा 9 तारीख को, आपको पता है बैंकों के सीईओ के नाम एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और हम लोग तो हर क्वेश्चन में डिस्कस करते हैं। मतलब आप अगर रेगुलर मुझे फॉलो कर रहे होंगे तो आपको 1 सेकेंड भी नहीं लगा होगा उस क्वेश्चन का आंसर देने में। अगला प्रश्न है, बजाज इलेक्ट्रिकल्स के एमडी अनंत बजाज का निधन हो गया है, वे कितने वर्ष के थे? तो देखो बजाज इलेक्ट्रिकल्स के जो एमडी हैं उनका निधन हो गया है, वो मात्र 41 वर्ष के थे। इवन आई एम शॉक्ड कि 41 वर्ष की आयु में किसी व्यक्ति का निधन हो जाता है। तो ये इनका फोटो दिखा देता हूँ, बजाज इलेक्ट्रिकल के जो एमडी है इनका नाम भी याद रख लीजिएगा, अनंत बजाज, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने एक पुलिस यूनिट जिसमें कि महिलाओं की यूनिट होगी, स्वैट यूनिट को शामिल किया है? तो देखो दिल्ली पुलिस ने महिलाओं की स्वैट यूनिट को शामिल किया है। नॉर्मल पुलिस और स्वैट यूनिट में क्या डिफरेंस होता है ये समझ लो। ये जो स्वैट यूनिट है इसका फुल फॉर्म होता है स्पेशल वेपन एंड टैक्टिक्स, यानी कि स्पेशल वेपन्स दिए होते हैं इनको और अलग तरीके की टैक्टिक्स भी इनको सिखाई जाती हैं। तो ये दिल्ली पुलिस ने लॉन्च किया है। भारत के किस राज्य में बाढ़ आने से 50 से ज़्यादा लोग मारे गए? तो हाल ही में भारत के केरल में, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, केरल में अभी बाढ़ आई हुई है जहां पर 50 से भी ज़्यादा लोग मर गए हैं। साथ ही साथ में अमेरिका ने एक लेटर जारी किया है जिसमें उसमें साफ तौर पर कहा है कि कोई भी अमेरिकी इस समय केरल की यात्रा पर नहीं जाएगा क्योंकि केरल में भयंकर बाढ़ आई हुई है। अब शुरू करते हैं आज की क्विज।
आज की क्विज का सबसे पहला क्वेश्चन है, एशियाई खेल 2018 ओपनिंग समारोह में ध्वजवाहक कौन बनेगा? आज का दूसरा प्रश्न है, जिसका आपको आंसर देना है, किस कंपनी ने एक वीडियो Q&A ऐप कैमियोस लॉन्च किया है? जल्दी से इसका आंसर दे देंगे। आज का तीसरा प्रश्न है, फंड बढ़ाने के लिए किस बैंक ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म माई डील लॉन्च किया है? तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और जितने भी एजुकेशनल ग्रुप हैं आपके पास में, फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, हर जगह वीडियो को शेयर जरूर करना। बहुत मोटिवेशन मिलता है जब आप लोग इस तरीके से सपोर्ट करते हो। आप लोगों के ही प्यार की वजह से वीडियोस मैं रेगुलर दे पा रहा हूँ, तो सपोर्ट जरूर करिएगा वीडियो को शेयर करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।